एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को लगातार झटके दे रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के कई बड़े फैसलों को पलटा था, लेकिन अब बारी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की है, इसीलिए उद्धव ठाकरे के फैसले पलटे जा रहे हैं। शिंदे सरकार ने एक साथ उद्धव ठाकरे के चार बड़े फैसलों को पलटकर बड़ा झटका दे डाला। इसमें सबसे बड़ा फैसला इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को दिया जाने वाला पेंशन है, जिसे उद्धव ठाकरे ने यह कहकर बंद करवा दिया था कि इससे ज्यादा फायदा आरएसएस के लोगों को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार के जिन चार फैसलों को बदला है, उनमें एपीएमसी मंडियों में किसानों के वोटिंग अधिकार को बहाल करना, इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद लोगों को पेंशन फिर से शुरू करना और लोगों द्वारा सीधे ग्राम प्रधानों और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव कराना शामिल है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग एक्ट 1963, ग्राम पंचायत सदस्यों, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों को एपीएमसी के सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार है। 2017 में बीजेपी की सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए किसानों को एपीएमसी के सदस्यों और चेयरपर्सन का चुनाव करने का अधिकार दिया था, लेकिन 2020 में उद्धव सरकार ने इस बदलाव को रद्द कर दिया था। सरकार का कहना था कि एपीएमसी पर इतना फंड नहीं है कि इस तरह का चुनाव कराया जा सके। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने ऐसे किसानों को वोट देने के अधिकार को फिर से बहाल किया है जिनके पास 0.25 एकड़ से ज्यादा जमीन है और उन्होंने अपनी फसल को पिछले 5 साल में 3 बार एपीएमसी मंडियों में बेचा है। माना जा रहा है कि ये बदलाव कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्थानीय निकाय में एनसीपी और कांग्रेस की पकड़ को कमजोर करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में एक और फैसला हुआ है, जिन लोगों ने इमरजेंसी के वक्त 1 महीने से ज्यादा जेल में गुजारा उन्हें 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगर ऐसे लोगों की मौत हो गई है तो उनके परिजनों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जिन लोगों ने 1 महीने से कम वक्त जेल में बिताया है उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 2017 में फडणवीस सरकार इस फैसले को लाई थी, हालांकि उद्धव सरकार ने 2020 में यह कहकर इसे बंद कर दिया था कि इसका फायदा आरएसएस के लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्राम पंचायत एक्ट 1958 में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक सरपंच और ग्राम पंचायत का सीधे चुनाव होगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने इसमें एक और प्रावधान जोड़ने का फैसला किया है। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद 2 सालों तक और अगले चुनाव के 6 महीने पहले सरपंच और डिप्टी सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकेगी। महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम 1965 में संशोधन लाकर सीधे लोगों से नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव करने का भी फैसला किया गया है। फडणवीस सरकार ने 2017 में सरपंच का सीधे चुनाव कराने का फैसला किया था, हालांकि 2020 में एमबीए सरकार ने इस फैसले को बदल दिया था। माना जाता है कि चुनाव में सत्ताधारी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को फायदा मिलता है। फडणवीस ने साफ किया कि सभी बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव में योग्य उम्मीदवार साइडलाइन कर दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।